पुश करते हैं क्या? ये दे रही है डुकाटी स्क्रैम्बलर वाली फीलिंग। टैंक का छोटा होना थोड़ा है, साइज तो छोटा होना ना, कैपेसिटी। इंजन सेम है कि अलग अलग है भाई इनका? सेम। तो आपको तो कम स्विच कर लेंगे ना, सजेस्ट करूं क्या? ब्यूटीफुल बाइक है यार, ब्यूटीफुल, देखते हैं हम चला के। सो गाइस आज आए हम यहाँ जावा एंड यसडी के शोरूम में, जो कि है मंडी में, और यहाँ पे जो नई गाड़ी आई हुई है यसडी की स्क्रैम्बलर, यसडी रोडस्टर एंड यसडी एडवेंचर। और यसडी ये जो एडवेंचर में है, ये जो टैंक पुरानी वाली रिजेम्बलेंस देता है, जो पुरानी यसडी रहती थी सेम उसी तरह की लुक देती है। और बाकी थोड़ा टेस्ट राइड से पता चलेगा क्या रिपोर्ट है। टायर इसमें 130 एंड 17 वाला पीछे वाला, और आगे वाला टायर आ जाता है इसका 21 इंच का, सेम एज हिमालयन आई थिंक। और फ्रंट फोर्क जो इसका ट्रैवल रहेगा वो भी हिमालयन से थोड़ा कम लग रहा है, मे बी रॉन्ग। और प्लास्टिक सेम एज हिमालयन, बट इसका कंसोल मेरे को बंद है, बैटरी नहीं होगी इसमें। और इंडिकेटर काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी अच्छी फीलिंग दे रहे हैं, मोटो गैजेट्स वाली फीलिंग दे रहे हैं। एक्सपेंसिव लग रहे हैं और इनको कन्वर्ट करने की जो भी ज़रूरत नहीं फील हो रही है। हेडलाइट आई थिंक 6 या 7 इंच की हेडलाइट है ये, ये वाला सेम डिज़ाइन वैसे एक्सपल्स में भी आता है, बट उसका डाया छोटा है, 5 इंच या 4.5 इंच के आसपास। तो अभी टेस्ट राइड अरेंज हो रही है, तो अभी देखते हैं इनको चला के। सो यसडी स्क्रैम्बलर में देखिए ऑफ रोड हैंडल बार, जो कि काफ़ी स्टर्डी है। ये KTM वाला साइज है, ये है 140 है, ये KTM में 150 है, बट डाया ऐसे ही 17 मैक्सिमम गाड़ियों में यही आ रहा है। अब MBLED है ना, सेक्सी। इसका कंसोल हैंड गार्ड लग के आते हैं पहले से। हाँ विंडशील्ड तो लग के आती होनी है ना। रेड वाली की नहीं मिलेगी भाई? रेड वाली की, अच्छा चलो कोई नहीं भाई, वो सेम है भाई, टायर तो कलर है उसका, ये लग रही है बड़ी अट्रैक्टिव ना, रेड कलर। हाँ फोर लेन पे चलते हैं, रोलिंग। मैं तो बोल रहा हूँ ये ही हेलमेट लो आप, दांत के बीच में काला काला लगा हुआ कुछ, देखो मैं दिखा, गुड। यही फोर लेन से चक्कर मार के फेल भी नहीं है, एक लीटर मत मारना भाई। हाय सो बेसिक, लेट्स गो। एक्सेलेटर तो किया नहीं पहले, नीचे को ना बाकी। फील थोड़ा डिफरेंट है हिमालयन से, और सीट भी थोड़ी पतली है हिमालयन से। मैं अभी इसको हिमालयन के बेस पे ही जज कर पाऊँगा, और रेट आई थिंक हिमालयन से थोड़ा कम रहेगा इसका। और स्पीडोमीटर की वायर इन्होंने निकाल दी है, ये वायर या फ्यूज़ निकाल दिया है, अब स्पीड का पता नहीं चल पाएगा। और इट फील्स गुड, सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा कम रहेगा हिमालयन से। हाँ जी क्या है,
एक करते हैं जरा पुश करते हैं एक छोटा सा पुश एक दो तीन So guys, first impression as a beginner biker, they are quite good. They both are good, actually Scrambler, Roadster and Adventure. They both have same engine. I think it's tuned a little bit different. इसका ये जो monoshock है ये थोड़ा नीचे रहता है, इसकी वजह से इसकी ground clearance थोड़ी कम है और इसमें आपके आ जाते हैं regular वाले suspension system और इसमें थोड़ा different रहेगा ये. हाँ ये तो अभी होगा. तो अभी राय भाई चलाएंगे एडवेंचर और मैं चलाऊंगा ये स्क्रैम्बलर. इसकी सीट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और लाइट एंड ऑल. हाँ मुड़ रहे हैं यहीं से, आगे देख लेना बीच में कहीं रुकना होगा तो. चल 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 काफ़ी ब्राइट है इसके, देखने में वाइट कलर के हैं बट जलते ऑरेंज में हैं जो दिन को भी काफ़ी ब्राइट है और ऐसी लगेगी कुछ गाड़ी आपकी जैसी. सो मेरे फाइनल कॉल तो यही रहेगी एज अ बिगिनर बाइक काफ़ी अच्छी है और इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम 150 cc देन इट विल बी अ गुड ऑप्शन. बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम 200 cc और 350 cc लाइक बुलेट और क्लासिक, दिस विल नॉट मेक यू हैप्पी. एंड या सो दैट्स माय इनिशियल इंप्रेशन कि एज अ बिगिनर बाइक अच्छी है मोटरसाइकिल. शीशा नहीं था इसमें, आंखों से पानी निकल रहा है. और एक तो हमें थोड़ा स्पीड का भी पता नहीं चल पाया पर इसका बात ऐसी है कि दिस वन इज बेटर या इससे कंपैरिजन में. आपकी हाइट भी थोड़ी लंबी है ना. नहीं तेरे लिए भी इसमें ना जो पीछे से लुक आ रही है ना वैसे. सो सीट्स कंफर्टेबल है, टूरिंग के हिसाब से अच्छी है. बट अगर बात करें आप हार्ड कोर ऑफ रोडिंग की, सो आई डोंट थिंक दिस विल हेल्प यू दैट मच. हार्ड कोर ऑफ रोडिंग के लिए आपको हिमालयन ही बेस्ट रहेगी और एक्सपल्स. ये मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ. और चाबी अच्छी है, बल्कि सी चाबी है, बस इसमें रेवेड मर्चेंडाइज ब्रांडिंग की ज़रूरत है. सो हाँ काफ़ी अच्छी फील देती है. जे सी बी वगैरह की वो चाबी होती है ऐसी.
बड़ी गाड़ी वाली। चलिए चलो मैं जाना है इस पे जाना अपने। तो राय भाई की हाइट है 6 फीट के आसपास, तो अगर आप 5'8" या 5'9" से ऊपर हो तो एडवेंचर आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये वाली बाइक तो आई थिंक मैं 5'2" से 5'6" वालों को रिकमेंड करूँगा। अगर आप 5'8" या 5'9" के भी हैं तो आप इस पे बड़े लगोगे और बाइक छोटी लगेगी। सो ये भी एक रोड प्रेजेंस में दिक्कत होती है। चलें ब्रो, चलो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ वीडियो। लगो बाइकों के जो इंजन है वो थोड़े रॉयल इनफील्ड से डिफरेंट इस वे में है थोड़े, क्योंकि इनका जो पिस्टन है उनका ट्रैवल इतना लंबा नहीं है, उनका ट्रैवल काफ़ी छोटा है। और जो रॉयल इनफील्ड के इंजन मोस्ट ऑफ रहते हैं उनका ट्रैवल लंबा रहता है, इसी वजह से उनकी टॉर्क भी अच्छी रहती है। भाई साहब पहुँच गए। तो उससे पहले मैंने जावा चलाई थी, जावा की 42 से तो काफ़ी अच्छी है वैसे। 42 के मुकाबले में इसमें यसदी में काफ़ी चेंजेस लगे मेरे को, और थोड़ा चलाने एंड फिट एंड फिनिश में भी फ़र्क लगा मेरे को। हैंडल बार नाइस, स्विच मॉड्यूल नाइस, स्पेशली सीट मेरे को इसकी काफ़ी पसंद आई। So yeah, that's my initial impression, and yeah, that's all for today, and yeah, see you in the next one.